नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 विषय हिंदी द्वितीय भाषा में आज हम टपका का डर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टपका का डर के बारे में हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अच्छी कहानी है। देखो यहाँ चित्र भी दिया गया है आपके बुक में। यहाँ इस कहानी में गरीब और कष्ट से जूझती हुई बुढ़िया की कथा लिखी है। झोपड़ी का टपकता छपर उससे भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुझला रही है कि बरसात से परेशान होकर वहाँ अचानक एक बाघ आ जाता है, बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और वहाँ से भाग जाता है। तो इस तरह से यहाँ स्टोरी लिखी है, लेकिन मैं आपको विस्तृत से समझाऊंगी। देखो यहाँ कि बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भी भीग रहा था और जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, क्योंकि वह बुढ़िया थी। छप्पर को छाए कौन, उसका छप्पर कौन छा देगा। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले वो थे और उसके छप्पर से टपकने लगे। उधर एक बाघ ओले की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। अब वह चावल जब पका रही थी तो चूल्हे पर पानी टपक रहा था टप टप जैसा, और वह झुझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है कि जितना बाघ से भी नहीं लगता। इस तरह से वो बोली। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर वहाँ से भाग जाता है। देखो यहाँ बुढ़िया बिचारी टपका से, यानी पानी बारिश में उसका झोपड़ा जो हो भीग रहा था, उससे परेशान है। उस सही तरह से वो चावल भी नहीं बना पा रही थी, इसलिए वह बड़बड़ा रही थी, उसका गुस्सा निकल रही थी खुद ही कि किसके पास जाके वो मदद मांगती। कोई मदद नहीं करेगा इस समय तो ठीक है। तो वह अपनी भड़ास निकालती है और ये वो सब जो बाघ वहाँ होता है वो सुनता है, और वह सुनते ही ये भाग जाता है। तो उस तरह से जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, उसी तरह से जो बुढ़िया बड़बड़ कर रही थी, लेकिन वह बाघ से बच गई मतलब में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यह टपका का डर पाठ मैंने अगले वीडियो में भी आपको समझाया था, आज भी मैं समझाती हूँ और समझाया है। तो विद्यार्थी मित्र, आपको लेसन करना है और मुझे व्हाट्सअप करके भेजना होगा, ठीक है। धन्यवाद।